केंद्रीय गृह मंत्री अपने 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे जम्मू, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया स्वागत। कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने मार गिराए 4 आतंकी। शोपियां में वर्ष 2009 में युवतियों की गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाकर कश्मीर में कराई गई थी हिंसा, ISI पाकिस्तान से मिले थे डॉक्टर, दोनों को किया गया बर्खास्त। जम्मू की नरवाल मंडी 3 दिनों के लिए की गई बंद, बढ़ती गर्मी के कारण छुट्टियों पर गए कारोबारी। बागे बहु में बनेगा ओशनेरियम, समुद्र जैसे नजारे में मछलियों को देखने का मिलेगा आनंद, आज गृहमंत्री अमित शाह करेंगे शिलान्यास। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जम्मू में त्रिकुटा नगर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का किया माल्यार्पण, दी भावभीनी श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में रैली को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला महबूबा परिवार पर किया हमला, बोले एक देश में नहीं चलेंगे, 2 विधान 2 प्रधान न 2 निशान। शिवसेना हिंदुस्तान यूथ विंग द्वारा फिल्म आदि पुरुष के विरोध में किया गया विरोध प्रदर्शन, का हिंदुओं की भावना के साथ किया जा रहा खिलवाड़, फिल्म को बैन करने की मांग। शाह हमदान के उर्स से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव अली मोहम्मद सागर ने डिप्टी मेयर परवेज के साथ खानका मौला का किया दौरा, ली तैयारियों की समीक्षा। जम्मू संभाग के किश्तवाड़ में 3 दशक बाद लौटा सिनेमा पर्दे का दौर, उपराज्यपाल ने किया डिजिटल थिएटर का शुभारंभ। कश्मीर घाटी की नर्स फिरदोसा जान को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार 2023 से किया सम्मानित। पटना में विपक्षी दलों द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बीजेपी और RSS पर हमला, कहा बीजेपी कर रही लोकतंत्र की नींव पर हमला। बंगाल की मुख्यमंत्री का केंद्र पर हमला, कहा बीजेपी चला रही तानाशाही सरकार, हम मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी 2024 में फिर आई तो नहीं रहेगा हिंदुस्तान। विपक्षी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती का बयान, जो कश्मीर में हो रहा वही आज पूरे देश में हो रहा, हम गांधी के देश को गोडसे का देश नहीं बनने देंगे। श्रीनगर की जामा मस्जिद के बाहर महिलाओं का विरोध प्रदर्शन, सरकार से की मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई की मांग। पटना की प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा सत्ता की लड़ाई नहीं विचारधारा की लड़ाई है, मुल्क के आईन को बचाने की लड़ाई है, हमें मिलकर देश को बचाना है।